ये चर्चा का विषय है और चर्चा चल रहा है प्रधानमंत्री जी के दरबार तक, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक ये विषय पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों को सुना है और स्वाभाविक रूप से जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी और सरकार लेंगी वो विषय हमारे सामने आएगा, इसलिए पार्टी प्रधानमंत्री या सरकार से पहले अपना निर्णय नहीं सुना सकती, नंबर एक। नंबर दो, टेक्निकली स्पीकिंग एक रोहिणी आयोग अक्टूबर 2017 में बनाया गया था। देखिए कितनी ओबीसियां हैं, उसकी उपजातियां क्या है, उसकी उसका श्रेणीकरण किस प्रकार से होगा, क्या पूर्व की त्रुटियां रही हैं, इन त्रुटियों को किस प्रकार से दूर करना है, इन सब विषयों को लेकर रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था। और ये रोहिणी कमीशन जुलाई 2021 तक था, किंतु कोरोना के कालक्रम के कारण उसको बढ़ा करके लगभग इस साल के अंत तक इसके समय को बढ़ाया गया है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि रोहिणी आयोग भी इस पर क्या कहती है, जो एक तकनीकी पुट होता है वह भी हमें मिलेगा। तीसरी बात है, एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय को लेकर सुनवाई हो रही है, वो उसका नतीजा आना बाकी है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी हमें सुनना चाहिए। बहरहाल जहां तक ये जो प्रश्न था कि अगर जानवरों को भी गिना जा सकता है तो ओबीसी जातियों को क्यों नहीं, मैं एक निवेदन करूंगा, इस पर चर्चा जरूर करिए, मगर ये उदाहरण ठीक नहीं है। औपनिवेशिक काल में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहां मनुष्यों की गिनती होती थी, जानवरों की तरह गिनती होती थी, मगर ये केवल स्लेव्स की होती थी। इसलिए मैं केवल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये कोई आक्षेप नहीं है, कि ओबीसी का कंपैरिजन जानवरों के साथ करना कि जानवरों की गिनती होती है तो ओबीसी की भी हो सकती है, ये उदाहरण उचित नहीं है। आप बिल्कुल टेक्निकली जो कहना चाहते हैं जरूर कहें, मगर जानवर के साथ किसी भी वर्ग विशेष को कंपेयर करना, पेड़ पौधों के साथ कंपेयर करना, मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। आपने जानवरों की सेंसस ली, उसमें अगर कोई जानवर छूट भी जाता है, जानवर इस विषय को लेकर आतंकित नहीं होता है, ना ही वो क्रांति करता है। हाँ। मगर आप अगर बिना त्रुटियों को सुधारे गिनती कर लेंगे, हाँ, और उसमें त्रुटि रह जाएगी बिना रोहिणी आयोग के कमीशन के रिपोर्ट के, तो आप बताइए क्या ये क्षम्य होगा या अक्षम्य होगा? कोई भी अगर छूट जाता है तो ये अक्षम्य होगा, इसलिए फुल प्रूफ तरीके से आगे बढ़ना बेटर होता है। तिलकधारी तिवारी जी, मृत्युंजय जी, बताइए जी, आज नीतीश बाबू के साथ वैसा नाम कर दिए, तिलकधारी आप हैं इसलिए दिख रहा है, इसलिए वही बोला। बस मुझे ये बताइए कि ये जो एक साथ आए हैं, हालांकि वहां पर संबित पात्रा जी का खाली अधिकार थोड़े, हाँ नहीं नहीं आपका है और आपका, इसीलिए मैंने बोला, अच्छा है। मैं जो पूछ रही हूँ उस पर अब आते हैं सर। नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी जी आया, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, गदगद गदगद, जितने लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों साथ तो नहीं आ रहे हैं, इस पर बाद में आएंगे। मुझे ये बताइए कि इससे क्या हासिल हो जाएगा, क्या हम देश को आगे ले जाएंगे या हम जाति की उसी खाई में धकेलते चले जाएंगे पीछे।